नमस्ते, मैं अपराजिता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल होम डायरीज में। आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक मेटल का मल्टी सेल्फ ऑर्डर किया था, उसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके सामने कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस बॉक्स को खोल लेते हैं और इसमें से प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो बॉक्स को खोल करके मैं ये कार्टन खोल के देखती हूँ, अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर दिया हुआ पैकेजिंग अच्छी की हुई है और ये काफ़ी हैवी है। तो इसे निकाल के मैं साइड में रख लेती हूँ, कार्टन को एक साइड में कर दूंगी। और अब फिर इसे भी खोल करके देख लेते हैं। इसका प्राइस मुझे 1499 रुपीस का पड़ा था और इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें इस तरह से फोर स्लीव्स दिए हुए हैं और ये सारे मेटल के बने हुए हैं और इसके साथ ही ये रड दिए हुए हैं, ये भी मेटल के हैं और इसे आप प्लास्टिक के इन क्लिप्स की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्क्रू भी है नीचे वाले सेल्फ को एडजस्ट करने के लिए। तो एक एक करके अब मैं इसे धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करती हूँ। और इसके साथ ही ये मैनुअल दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप आसानी से इस सेल्फ को असेंबल कर सकते हैं। हालांकि अकेले इसे असेंबल करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर दो लोग मिलकर के करें तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अकेले में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है असेंबल करने में, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि दो लोग मिलकर के इसे असेंबल करें तो फिर ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये इस तरह से प्लास्टिक क्लिप्स हैं, दोनों को आपस में ज्वाइंट करके और इस तरह से लगा देना है और पुश कर देना है तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमें सारे कॉर्नर्स पे रड में इस प्लास्टिक हुक्स को लगा करके और एडजस्ट कर देना है और एक एक करके सारे रैक्स को असेंबल कर लेना है। तो धीरे धीरे मैं इस तरह से सारे रैक्स को असेंबल कर रही हूँ और ये काफ़ी टाइट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मूव नहीं होता है प्लास्टिक क्लिप्स की सहायता से, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में भी जो अगला रैक है उसे असेंबल कर लूँगी। तो मैं प्लास्टिक के क्लिप्स को इस तरह से इसमें लगा रही हूँ एक एक करके पहले। ये इस तरह से तीन सेल्फ को मैंने लगा लिया है और सबसे नीचे वाले सेल्फ को मैं सबसे बाद में लगाऊंगी। ये ऐसे देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, साथ ही साथ आप इसका मल्टीपर्पस यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे की तरफ स्क्रू लगाने के लिए बना हुआ है तो उसी जगह पे हमें स्क्रू को लगा देना है। और आप इसे कहीं भी किचन में, डाइनिंग में, यूटिलिटी एरिया में या फिर किड्स के स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और पर रैक पर ये लगभग 4 to 5 kg वेट को उठा सकता है। 4 to 5 kg वेट बिल्कुल सेफ है इस पर रखने के लिए। और मैं अब निचले वाले सेल्फ को भी एडजस्ट कर दूंगी और ये इस तरह से बन करके तैयार हो गया। इसकी हाइट लगभग 5 feet के आसपास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग सकता है। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ भी हो वहाँ यूज कर सकते हैं। इसे मैंने किचन में यूज़ करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। और हाँ, जहाँ तक कि इसके ऐड वगैरह में बताया जाता है कि आप माइक्रोवेव रख सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगी कि माइक्रोवेव ना रखें, वो सेफ नहीं होगा। अगर छोटा ओवन है आपके पास तो वो आप इस पर रख सकते हैं। और साथ ही साथ पर रैक आप 4 to 5 kg वेट इस पर डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन पे थोड़ा ये महंगा था इसलिए मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।